आइए बच्चों, अपने लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशियोज़ पे आ जाते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ये सारे रेशियोज़ परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आता है, ऑपरेटिंग रेशियो आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, ये वाला रेशियो आता है। इन शुरू के चार रेशियोज़ में एक खास बात है कि सारे सारे रेशियोज़ जो हैं वो नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में निकाले जाते हैं, लेकिन जो पांचवा रेशियो है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आइए अब इनके फॉर्मूले को वो इंडिविजुअली जानते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं इनके। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लीजिए, वैसे टैक्स दे नहीं रखा होता ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। जैसे मैंने कहा ही था कि इन चारों रेशियो के अंदर जो है आपको रेवेन्यू ऑपरेशन को एज अ डिनोमिनेटर लेना होता है, क्योंकि सारे के सारे रेशियो नेट सेल्स के कंपेरिजन में निकाले जाते हैं। इनमें से ये रेशियो और ये रेशियो का हाई रहना अच्छा होता है बिजनेस के लिए, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इसका लो रहना ही अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, जो लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ये मैंने तो बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकाला जाता है, और इसमें न्यूमरेटर के तौर पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या हम ये कह सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड लिया जाता है, यानी कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी टैक्स या कोई भी डिविडेंड से पहले का प्रॉफिट। तो इस तरह से ये पांचों रेशियोज हैं बच्चों, देख लीजिए एक बार इनको एक साथ ढंग से। ठीक है बच्चों, अब कुछ रिलेटेड फॉर्मूलेज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आप जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया जाता है, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है आर एफ ओ माइनस जी पी। ठीक है, तो उसी से फॉर्मूला बना दिया आर एफ ओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस आर एफ ओ हो जाएगा। आर एफ ओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब नेट सेल्स होता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिएगा। और अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि बहुत ही रेयर होती है, वो माइनस कर दीजिएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट से आना है तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए। इसके अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंस प्लस हो जाते हैं, और दो कैसी भी इनकम हो, ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी इनडायरेक्ट इनकम है, तो उसे माइनस कर दीजिएगा। इसमें उल्टा काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं। अगर आपको वापस इनसे ग्रॉस प्रॉफिट बनाना है तो जो भी आपने पहले एक्सपेंसेस डिडक्ट किए होंगे वो प्लस करना पड़ेगा, और जो इनकम माइनस ऐड करी होगी सबट्रैक्ट करनी होगी। दैट्स व्हाई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। भाई ग्रॉस लॉस के बारे में आपको बता ही दिया था कि आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस आर एफ ओ हो जाएगा उस केस में, अगर ग्रॉस लॉस है तो। ये देख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के सारे फॉर्मूले बच्चों एक साथ। रेवेन्यू ऑपरेशन आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, नेट सेल्स, और इसको हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों जोड़ के निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वैसे अब इसमें मैं मुझे पहले बताना चाहिए था जैसे ये, लेकिन पहले बता भी चुका हूँ मैं आपको इसको, जो है जब हमने करंट रेशियो डिस्कस किया था, वर्किंग कैपिटल के अंदर फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल होता है, और इसके अलावा उसका दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम जानते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट एसेट मिला के बनती है, नॉन करंट लायबिलिटीज सॉरी। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज के समेशन में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दीजिए, एक ही बात है, या कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट एसेट माइनस कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन जो है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए, एक तरीका हो गया। रेवेन्यू ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, दूसरा तरीका हो गया। ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आने पे आने का तरीका है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए, और नेट और जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको रेवेन्यू ऑपरेशन से माइनस कर दीजिए, दोनों केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले पे आइए, ध्यान रखिएगा तीन फॉर्मूले हैं लेकिन बड़े आसान से ही फॉर्मूले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, अदर ऑपरेटिंग इनकम होगी तो प्लस कर दीजिएगा, जो कि रेयर ही होती है। रेवेन्यू ऑपरेशन में ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए तीनों। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, आर एफ ओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करेंगे तो भी आ जाएगा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करके नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करके भी आ जाएगा। मैं एक आपको चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों।
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के टाइम पे ही, तो इसको निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करिए, क्योंकि आफ्टर टैक्स का मतलब आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों होता है और बिफोर टैक्स का मतलब सिर्फ आफ्टर इंटरेस्ट है, टैक्स के तो बिफोर पहले से ही है तो सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट प्लस करते हैं। टैक्स अगर रुपीज़ की जगह परसेंटेज में दे रखा होगा तो टैक्स ऐसे निकालिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू रेट बाई 100 या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। टैक्स को अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाल रहे हैं जो कि रेयर ही होता है, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकालना होगा इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट करिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स पे निकाल रहे हो, ज़्यादातर इसी पर निकाला जाता है, तो इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट कर देना चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हमें डायरेक्ट निकालना है विदाउट कैलकुलेटिंग टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट कर दीजिए, आप उससे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स पे डायरेक्ट आ जाएंगे, फिर आपको सीधा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करना होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले से ही। इंटरेस्ट आपका डिबेंचर या लोन्स पे निकलता है तो आपको पता ही है वो चीज़, डिबेंचर और लोन से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों दे रखोगे दोनों पर निकालिएगा इंटरेस्ट। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बच्चों, शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी से आ जाता है, और दूसरा तरीका होता है नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी NCA प्लस CA माइनस CL, या फिर हम ये सिंपली कह सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस CL, बिकॉज NCA प्लस CA तो क्या होता है, टोटल एसेट्स होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए बच्चों, मेन फॉर्मूला शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी होता है, दूसरा नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल होता है, तीसरा आप टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इस चार्ट के बारे में कह रहा था बच्चों आप लोगों को, ये देखिए ये ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आ रहा है ये पूरा चार्ट, इसको देख लीजिए ढंग से। स्टार्ट करिए RFO से, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया तो GP आ गया, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करी तो नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट से आपको ऑपरेटिंग पे जाना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करना पड़ेगा, आप यहाँ पहुँच जाओगे। इससे यहाँ जाना है तो वापस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा था ना ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्मूले पे देखिए जाने के लिए रिवर्स करना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? तो ये RFO माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट के बाद नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ें देखनी है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस, तो नेट प्रॉफिट पे आ गई। ये सीधा रास्ता है, इसमें आप किसी से भी दूसरे पहुँच सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो मैंने कहा था RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, और ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो इन दोनों को मिला के बनता है, तो RFO में से अगर इसे ये दोनों का सम माइनस कर दें या इन दोनों को माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुँच जाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना हो तो केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट से आना है तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, पहुँच गए। तो अब ये सीक्वेंस याद रख लीजिए, बड़े आसानी से हो जाएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं बच्चों, आप आराम से देख के लिख के सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, बस नेट प्रॉफिट रह गया था बताना, तो ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो मैंने कहा था कैसे भी एक्सपेंस हो माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे डायरेक्ट तो नहीं करते कहते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ही माइनस हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट से हम ये भी कह सकते हैं यानी कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, सारे इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना हो तो जो एक्सपेंसेस हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है अभी माइनस नहीं किए थे अब करने पड़ेंगे, आप देख सकते हैं ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आना है तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम प्लस, तो ये उसी से बनाया हुआ फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का। ग्रॉस से आ रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस, और अगर नेट सेल से आ रहे हो तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस और ये सब प्लस। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद होगा तो सारे फॉर्मूले आप आसानी से याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बात मेरे को और बताना रह गया था बच्चों कि आपको ओवरऑल रेशियो जो निकालना होता है आपका व्हाट डू कॉल एक
ऑपरेटिंग रेशियो होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, दोनों को जोड़कर 100% आना चाहिए। तो अगर आपको ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है तो उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है तो 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो माइनस कर दीजिए, वो भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारे जो है फॉर्मूले अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और आपको रिवाइज़ करने में, फॉर्मूलों को लर्न करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड मैं इनके क्वेश्चंस भी कुछ आपको कॉल कर करके डाल के दूंगा इसके अंदर, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। थैंक यू बच्चों।